This topic is ring theory. This is your core course, C10. Small recap about group theory and binary operation. A binary operation is a function which is defined from R cross R to R. And group is a set G with binary operation O satisfies some property. First is identity, second one is inverse, and third one is associativity. Let me explain. ग्रुप डिफाइन करने के लिए आपको एक चाहिए सेट और दूसरा चाहिए बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक, आर क्रॉस आर से आर तक. यहाँ पे आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है. बाइनरी ऑपरेशन ये बताता है कि आपके पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो क्लोज्ड है. बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए एक ऑपरेशन होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. ग्रुप होने के लिए आपको एक सेट चाहिए जी, और साथ में आपको चाहिए एक बाइनरी ऑपरेशन. अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं यू हैव अ सेट जी विथ ए बाइनरी ऑपरेशन ओ, तो आपको बस तीन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है, इनवर्स, आइडेंटिटी एंड एसोसिएटिविटी. क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन ही कर रहा है. अगर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं. लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ग्रुप इज अ सेट जी विथ ए मैथमेटिकल ऑपरेटर ओ, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करना होगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी. तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? एक ऐसा एलिमेंट ई मिलना चाहिए कि आप किसी भी एलिमेंट के साथ ई को ऑपरेट करें, वेदर इट इज इन लेफ्ट और राइट, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ए होगा. यहाँ पे आइडेंटिटी ई की वजह से ए का आइडेंटिटी लॉस नहीं हो रहा है, ए ए ही है, ठीक है. इनवर्स, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट बी. इनवर्स, एक एलिमेंट ए के साथ करस्पॉन्डिंगली यू गेट बी, सच दैट अगर ए और बी ऑपरेट करते हैं अंडर द मैथमेटिक बाइनरी ऑपरेशन, तो आपको मिलना चाहिए आइडेंटिटी. एसोसिएटिविटी के लिए आपको होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी. यहाँ पे ब्रेकेट शिफ्ट किया गया है, इसका मतलब है कि आप किसको पहले ऑपरेट करेंगे या पहले एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो फॉर ऑल ए बी सी है, ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आपको ए मिलना चाहिए, सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए आपको किसी भी एलिमेंट ए के लिए आपको बी मिलना चाहिए, सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई. नेक्स्ट इज रिंग. रिंग के लिए आपको चाहिए एक सेट जी, सॉरी, रिंग के लिए आपको एक सेट चाहिए आर, लेकिन साथ में टू बाइनरी ऑपरेशन चाहिए. तो यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन में एक ले रहे हैं एडिशन, दूसरा लिए हैं मल्टीप्लीकेशन. डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा अबेलियन ग्रुप स्ट्रक्चर. लेकिन अबेलियन ग्रुप स्ट्रक्चर कौन सेटिस्फाई करेगा? आपके पास तो दो प्रॉपर्टी है, तो ये एडिशन को सेटिस्फाई करना है. सेकेंड है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंपैटिबिलिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, या फिर आप ये बोल सकते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन. एक्सप्लेन करते हैं. आपके पास जो सेट है आर, इसके पास जो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ उसको अबेलियन ग्रुप बनाना है. अबेलियन ग्रुप के अंडर चार प्रॉपर्टी है. अगर आप मेंशन करेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है तो फिर पांच प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो अबेलियन ग्रुप स्ट्रक्चर में सिर्फ चार प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा एसोसिएटिव, सेकेंड होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. फॉर ऑल ए बी सी या फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर वी हैव दिस. अगेन यहाँ पे किस एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, तो एसोसिएटिविटी. थर्ड इज कंपैटिबिलिटी. एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है रिंग का, जैसे सेट ऑफ इंटीजर रिंग है, सेट ऑफ रैशनल नंबर रिंग है, रियल नंबर रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग है. एग्जाम में कभी भी आएगा कि डिफाइन रिंग विद एक एग्जाम्पल,
तो आप सिर्फ जेड लिख के मत छोड़िएगा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मिड सेमेस्टर में क्वेश्चन था कि डिफाइन रिंग और डिफाइन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग और कम्यूटेटिव रिंग, तो बहुतों ने लिखा था ओनली जेड क्यू आर एंड सो। तो आप ही मेंशन करिए प्रॉपरली कि जेड, सिर्फ जेड मेंशन करें इसका मतलब है आप बता रहे हैं कि दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज नॉट अ रिंग। अगर आप रिंग बता रहे हैं तो यू नीड टू मेंशन बाइनरी ऑपरेशंस, तो दिस इज अ बाइनरी ऑफ दिस ऑल आर रिंग। नेक्स्ट इज एम एन आर एडिशन देन मल्टीप्लीकेशन इज अ रिंग। इफ आर प्लस डॉट इज अ रिंग, ये क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स है सही है एन ऑर्डर का, लेकिन उसका सारा एलिमेंट आर पे डिफाइन है। अगर ये r प्लस डॉट पे रिंग है तो एम एन आर प्लस डॉट रिंग होगा, लेकिन when n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो एम एन आर इज नॉट कम्यूटेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिंग का, नॉन कम्यूटेटिव रिंग का या नॉट कम्यूटेटिव रिंग का। रिंग बहुत टाइप का होता है, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कितने टाइप का रिंग है। यहाँ पे रिंग जब डिफाइन किए हैं तो अबेलियन ग्रुप स्ट्रक्चर है, अबेलियन ग्रुप स्ट्रक्चर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइंड है फॉर एडिशन। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफाइंड है, कंपैटिबिलिटी दिया हुआ है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि कम्यूटेटिव रिंग, तो फिर एडिशन को देखना नहीं है क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव ऑलरेडी है। तो जो भी रिंग का सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन के अंडर अगर वो सेट कम्यूटेटिव है तो दैट रिंग इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। फिर रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग इफ ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा और साथ में फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आएगा, फॉर ऑल ए बी वी हैव ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट है ये, तो यहाँ पे जितना भी एग्जांपल है जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, ये सब कम्यूटेटिव रिंग है, नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, पता नहीं मुझे तो बताया गया था आप लोगों के साथ क्या हुआ था, मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट नेचर ये है कि मैट्रिसेस के केस में ये पहला, आई थिंक एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट ये पहला केस होता है जब आपको ये दिखाया जाता है कि आपके पास ए बी सब अंडर मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल नहीं होगा। अदरवाइज तब तक जब तक आप लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम ही डील करते हैं। तो नंबर सिस्टम में आपको पता है कि आप कोई भी दो नंबर को जैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट सेम ही होगा। तो मैट्रिक्स के केस में ऐसा फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब किसको पहले रखें। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो ए बी और बी ए इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। थ्योरम नंबर वन, इन ए रिंग आर द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। फर्स्ट इज ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। A minus B equal to minus AB equal to minus AB. Third is minus A minus B equal to AB. And fourth is A B minus C equal to AB minus AC. For all ABC belongs to R. बहुत easy proof है. First proof करते हैं. A dot zero equal to A. Zero क्या है? Additive identity है. तो additive identity में additive identity जोड़ते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो this is zero plus zero. अब A dot zero को लिख सकते हैं. ये क्या होगा, रिंग के प्रॉपर्टी से कंपैटिबिलिटी विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये प्रॉपर्टी आ गया, फिर कैंसिलेशन लॉ लगाए तो ये मिल गया। नेक्स्ट इज ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस बी, इनवर्स एग्जिस्ट करता है अंडर एडिशन, तो एक एलिमेंट बी लिए और उसका इनवर्स लगा दे, ना हो गया ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देन ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी प्रूफ हो गया। सिमिलरली माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी, थर्ड और फोर्थ भी वैसे ही प्रूफ करना इसी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब रिंग। अब सब रिंग कैसे क्या होगा, अब लोग याद करिए कि ग्रुप और सब ग्रुप में क्या रिलेशन होता है। जब हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं तो लोगों को बताया जाता है कि ठीक है मेरे पास एक सेट है और उस सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप बन जाता है। जब सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप मिल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि वो सब ग्रुप है। तो सब रिंग के केस में मेरे पास एक रिंग है और उस रिंग के अंदर एक और रिंग है, लेकिन कंडीशन यही होता है कि जो रिंग है, मतलब मेरे पास एक रिंग आर है और उसके अंदर एक रिंग है आर वन,
तो R और R1 सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ही रिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो गया. विद इन सेम बाइनरी ऑपरेशन अगर आपको रिंग के अंदर एक और रिंग मिल रहा है तो अंदर वाले रिंग को हम लोग बोलेंगे सब रिंग ऑफ आउटर रिंग. ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या है. एक हम लोग एज्यूम किए कि आर एक रिंग है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ए सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर इफ इट इज क्लोज अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. क्लोज होना चाहिए. और दूसरा होगा कि एस प्लस डॉट इज अ रिंग. एक डेफिनेशन है, ये थ्योरम भी है. अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन रिंग या सॉरी डिफाइन सब रिंग, तो आप बोल सकते हैं कि सब रिंग इज ए सबसेट ऑफ ए रिंग सच दैट दैट सबसेट सपोज दैट सबसेट इज एस देन एस मस्ट बी अ रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट चलिए, ये जो ट्रैक्टेंगल दिख रहा है हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक रिंग है. ठीक है, ये एक रिंग है. इस रिंग के अंदर हम लोग एक सेट लिए हैं. ठीक है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये रिंग के अंदर है, मतलब ये सर्कल ये रेक्टेंगल का सबसेट है. अब सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंदर एक सेट को हम कंबाइन किए, मतलब एस मेरे पास सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो आर का बाइनरी ऑपरेशन था वो एस का भी बाइनरी ऑपरेशन है. अब क्या हुआ, आर तो रिंग था ही, अगर एस भी रिंग हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि दिस एस इज अ सब रिंग ऑफ आर. आई थिंक समझ में आया होगा. फिर से रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट. एक रिंग है, रिंग के अंदर एक उसका सबसेट है. अगर वो सबसेट रिंग के बाइनरी ऑपरेशन के साथ खुद ही रिंग बन जाता है तो उसको बोलेंगे सब रिंग ऑफ दैट रिंग. वही डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट आर बी अ रिंग एंड एन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी सब रिंग ऑफ आर इफ इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. If R is any ring, then 0 and R itself are always sub-rings. किसी भी रिंग का दो sub-ring हमेशा exist करता है. First होगा additive identity है, 0 element, ठीक है? और second होगा वो ring itself. These are called improper sub-rings. लेकिन अगर improper sub-rings के अलावा कोई दूसरा ring, दूसरा sub-ring मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो proper sub-ring है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर अ सब रिंग. ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो क्या है ये देखते हैं. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी अ सब रिंग ऑफ आर आर. फर्स्ट है ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड द सेकेंड वन ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू एस. ये डेफिनेशन भी था रिंग का. ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये बताता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी अ सब रिंग. चलिए फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं. फर्स्ट पार्ट पे हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि एस प्लस डॉट सब रिंग है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. सेकेंड पार्ट में अज्यूम करेंगे कि एस आर का सबसेट है और ऐसा सबसेट है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी नीड टू शो दैट एस इज अ सब रिंग ऑफ आर. तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. सिंस एस इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एस अगर सब रिंग है तो रिंग होगा, रिंग है तो अबेलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, तो अगर बी एस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब एस क्लोज भी है तो ए अगर एस में है और बी एस में है तो ए एस में है माइनस बी एस में, इससे तो दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर ए माइनस बी एस में होगा. फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड, एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ए अगर एस में है तो बी एस में होगा, तो ए बी भी एस में होगा. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे. Sufficient condition. Suppose S is a non-empty subset of R and the condition 1 and 2 are satisfied. ये दोनों condition satisfy हो रहा है. ठीक है, तो दिखाना है कि S जो है वो sub ring होगा. Sub ring होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, sub ring होने के लिए दिखाना होगा कि S ring होगा under the same binary operation. As we have A belongs to S, A belongs to S, A minus A belongs to S. अब ये property पे आता है. अब क्या हम लोग assume कहें कि S एक non-empty subset है जो ये property satisfy कर रहा है. तो यहाँ पे है कि दो एलिमेंट है मेरे पास और दोनों एलिमेंट का जो सब्ट्रैक्शन है
दोनों एलिमेंट मतलब ए माइनस बी, या आप ये बोल सकते कि ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस. तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू एस लिखे और यहाँ पे अगेन ए बिलोंग्स टू एस लिखे, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस. ए माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो. तो जीरो बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब है कि एस में एडिटिव आइडेंटिटी है. नेक्स्ट, अब एडिटिव आइडेंटिटी एस में लेते हैं, ए को एस में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए एस में हो जाएगा. इसका मतलब माइनस ए एस में, मतलब एडिटिव इनवर्स मिल रहा है. थर्ड, नाउ इफ ए बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ एस, देन माइनस बी बिलोंग्स टू एस, एंड फ्रॉम वन वी हैव अगेन ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस. तो ए माइनस माइनस ऑफ बी, मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस. तो एस क्या हो गया, क्लोज्ड भी हो गया. तो अब दिखाना है कि एस रिंग है. रिंग होगा तभी सब रिंग बनेगा. तो रिंग होने के लिए पहले तो उसका अबेलियन ग्रुप होना जरूरी है. और अभी तक हम लोग तीन प्रॉपर्टी दिखाए हैं, क्लोजर, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. अबेलियन ग्रुप होने के लिए उसका एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होना जरूरी है. तो अगर कोई भी रिंग हम आर लिए हैं और उसके अंदर कोई भी एक सबसेट ले रहे हैं, तो आर तो एसोसिएटिव है ही और कम्यूटेटिव है, तो उसके उसका जो सबसेट होगा वो भी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होगा ही. तो नाउ एस इज अ सबसेट ऑफ आर, देयरफॉर एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन मस्ट होल्ड इन एस. तो उसका मतलब है एस अबेलियन ग्रुप होगा. एंड फ्रॉम टू एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मस्ट होल्ड इन एस. सो सिंस दे होल्ड इन आर में मल्टीप्लीकेशन का एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड कर रहा है, इसलिए सारा प्रॉपर्टी जो एक सेट का उसको रिंग बनाने के लिए चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है. इसलिए एस प्लस डॉट जो है वो रिंग होगा. अब क्योंकि एस आर का सबसेट है तो एस आर का सब रिंग होगा. इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, ठीक है, लेकिन ईजी भी है. नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अगेन सब रिंग. ये पहले भी किए, दो सब ग्रुप अगर आप लिए होंगे तो वो दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो सब ग्रुप होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि S1 एंड S2 टू सब रिंग्स, तो उसका इंटरसेक्शन दिखाना है कि वो सब रिंग होगा. डेफिनेटली उसका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सब रिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जीरो एलिमेंट तो कॉमन ही होगा. एडिटिव आइडेंटिटी तो हम लोग प्रूव करते हैं. Net A belongs to S1 intersection S2 and B belongs to S1 intersection S2. तो क्या होगा, A minus B S1 intersection S2 में होगा. Similarly, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि A minus B S1 intersection S2 में होगा. और सेकेंड वन इज, अगर A और B इस intersection में है तो ये multiplication के under closed होना चाहिए, तभी सब रिंग होगा. अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी सबसेट सब रिंग तभी होगा जब ए बी उस सबसेट में है और ए माइनस बी उस सबसेट में होगा और वो ए डॉट बी भी उस सबसेट में होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंडर क्लोज्ड और एडिशन के अंडर ए माइनस बी वाला रिलेशन आना चाहिए. तो लोग ये प्रूफ कर रहे हैं. तो लोग एज्यूम करते हैं कि ए एस वन इंटरसेक्शन एस टू में है तो ए एस वन में होगा, एस टू में भी होगा. सिमिलरली बी अगर इसमें है तो बी एस वन में होगा, बी एस टू में होगा. अब बोथ हर सब रिंग, अगर सब रिंग दोनों ही है, एस वन एंड एस टू दोनों सब रिंग है, तो ए एस वन में है बी एस वन में है, तो ए माइनस बी एस वन में होगा और ए बी एस वन में होगा, क्योंकि ये रिंग है. सिमिलरली ये लाइन भी सेटिस्फाई करेगा. तो ये दोनों लाइन के अकॉर्डिंग ए माइनस बी एस वन में भी है, ए माइनस बी एस टू में भी है, ए बी एस वन में है, ए बी एस टू में है. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, ए बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू. तो S1 intersection S2 is a subring of R. Next is integral domain. Integral domain define करने के लिए आपको एक रिंग चाहिए, फिर आपको चाहिए टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर, ए जीरो डिवाइजर. अब अगर कोई रिंग है जिसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन. तो यहाँ पे ये बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो इंटीग्रल डोमेन का है, ठीक है. अब चलिए एक्सप्लेन करते हैं. इंटीग्रल डोमेन भी एक वन काइंड ऑफ रिंग है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करने के पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स. कोई दो एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं जो नॉन जीरो है और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा है तो
दीज आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर. ठीक है, एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर. ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन. किसी रिंग में अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन होगा. तब क्या है विदाउट जीरो डिवाइजर? दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए, जीरो हो गया. ठीक है, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ए और बी जीरो नहीं है, ठीक है, ए और बी जीरो नहीं है तो उसका प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए. और ए डॉट बी अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब है या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा. मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखे हैं जीरो डिवाइजर, लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि टू नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब ए और बी दोनों नॉन जीरो है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है. ऐसा कभी देखे हैं आप लोग? ए जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया. ये हो गया जीरो डिवाइजर का केस. अगर किसी रिंग में ये चीज नहीं होता है तो हम उसको बोलेंगे वो इंटीग्रल डोमेन है. तो इसका रिवर्स क्या होगा कि जो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा इसका मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट जीरो होगा. तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दैट मींस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन. तो ऐसा तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा से ही पढ़ते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब है आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो. तो जितना नंबर सिस्टम है अगर वो रिंग फॉर्म कर रहा है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो ऑल आर इंटीग्रल डोमेन. क्यों? रैशनल नंबर एडिशन मल्टीप्लीकेशन के साथ, रियल नंबर एडिशन मल्टीप्लीकेशन के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन मल्टीप्लीकेशन के साथ, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल डोमेन. दीज आर ऑल्सो फील्ड्स, फील्ड्स के बारे में बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिए कि दीज आर फील्ड्स. दिस जे पी इज एन इंटीग्रल डोमेन. एक्चुअली ये गलत है, गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था मुझे विद इन ब्रैकेट कि जेड पी प्लस एंड डॉट. यहाँ पे अभी ये सिर्फ सेट है तो आप लोग अपने नोट्स को नोट्स बनाने के टाइम मिस्टेक मत करिएगा. दिस मस्ट बी जेड पी कॉमा डॉट कॉमा सॉरी जेड पी कॉमा एडिशन कॉमा डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज एन इंटीग्रल डोमेन इट इज ऑल्सो अ फाइनाइट फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट है. हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, ये जेड पी है इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉड्यूलो पी, एडिशन मॉड्यूलो पी एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी. आप लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़े होंगे एडिशन मॉड्यूलो. ठीक है, तो एडिशन मॉड्यूलो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एडिशन मॉड्यूलो कोई प्राइम नंबर ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो कोई प्राइम नंबर ले रहे हैं तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा. और ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके लिए ये इमेजिन करना कि कौन सा रिंग फाइनाइट रिंग होगा या फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन थोड़ा डिफिकल्ट होता है. जैसे नॉन कम्यूटेटिव रिंग सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं स्ट्राइक नहीं करता है माइंड पे, इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो इंटीग्रल डोमेन होगा जेड पी, प्राइम होना चाहिए वो नंबर, हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, जेड प्लस डॉट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन बट दिस इज नॉट अ फील्ड. ये सब बाद में डिस्कस करेंगे जब बताएंगे कि फील्ड का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है. अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन क्या है, और तो यह मैंशन किया हुआ है बट स्टिल बाद में देखते हैं. चलिए, एज्यूम आर इज अ रिंग विथ यूनिटी वन एंड वन इज नॉट इक्वल टू जीरो. एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू आर इज यूनिट ऑफ आर इफ इट हैज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. द यूनिक एलिमेंट यू इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट यू यू इनवर्स इक्वल टू यू इनवर्स यू इक्वल टू वन. इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स इन आर इज यूनिट देन आर इज कॉल्ड डिविजन रिंग. Moreover, R is a commutative ring with unity, then R plus dot is a field. A non-commutative divisor ring is called skew field. सब कुछ पढ़ दिए, कुछ समझ में नहीं आया थे. चलिए यूनिट पे आते हैं. एक रिंग है मेरे पास R with unity. इसके पहले जितना बार भी देखे हम लोग सिर्फ रिंग के बारे पढ़े. ठीक है, मतलब रिंग में यूनिटी एलिमेंट नहीं था. यूनिटी एलिमेंट का बात करें तो फिर से हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे, एडिशन पे नहीं, क्योंकि एडिशन के अंडर जो रिंग था वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है. मतलब एडिटिव आइडेंटिटी उसके पास है,
लेकिन मल्टीप्लीकेशन केस में हम लोग कहीं नहीं लिखे हैं कि यूनिटी होना चाहिए या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। तो किसी भी रिंग में अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी एलिमेंट है तो हम बोलेंगे कि दैट रिंग इज रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। और वन का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो रहा है। ऑब्वियसली वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट यू अगर हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग यूनिट बोलेंगे। यूनिट कब? जब उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा। और u का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो का इनवर्स कैसे मिलेगा? जीरो का इनवर्स वन बाई जीरो, इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो u नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा वो एलिमेंट। एन एलिमेंट u बिलोंग्स टू r विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इज यूनिट ऑफ r इफ इट हैज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा तो डेफिनेटली यूनिक एलिमेंट ही होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है ये। तो ये पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का ये दिया हुआ रिलेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है डिविजन रिंग क्या है। अगर कोई रिंग में, कोई रिंग है मेरे पास आर, उस रिंग का सारा एलिमेंट, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज अ यूनिट, अगर सारा एलिमेंट ही यूनिट हो जाए, यूनिटी और यूनिट में डिफरेंस है, यूनिटी इज वन, बट यूनिटी ऑफ एन एलिमेंट का मतलब है उस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी रिंग का हर एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलता है तो हम उसको बोलेंगे डिविजन रिंग। अब और एक चीज आते हैं, फील्ड क्या है। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग हो गया विथ यूनिटी तब हम आर प्लस डॉट को बोलेंगे फील्ड, और अगर वो नॉन कम्यूटेटिव है तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू फील्ड, ठीक है। तो R is a commutative ring with unity is a field, non-commutative ring division ring is a skew field, या फिर a commutative division ring is a field with unity, ठीक है। field होने के लिए उसका unity के साथ होना जरूरी है। बहुत सारे example है, जैसे rational number, real number, complex number, all are fields, ठीक है। और अगर field है तो division ring हो गई। और अगर नॉन कम्यूटेटिव का एग्जांपल ले लें तो स्क्यू फील्ड होगा। नॉन कम्यूटेटिव के केस में मैट्रिसेस में जाएंगे, z plus dot is not a field, क्यों? मेंशन किया हुआ है कि the only units is z r plus minus 1, ठीक है, यूनिट का बात छोड़ते हैं। फील्ड होने के यूनिट, अगर हम यूनिट यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग यूनिट के डेफिनेशन पे जाते हैं। यूनिट का मतलब है एक कोई भी एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट बोलेंगे उसको अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा। अब z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। ये फील्ड तब होगा, कोई भी रिंग फील्ड तब होगा जब उसके हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिले, या फिर हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होना चाहिए। तो इंटीजर वाले केस में, सेट ऑफ इंटीजर वाले केस में तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही दो ही यूनिट है। माइनस वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस वन, लेकिन टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? वन बाई टू। थ्री का वन बाई थ्री, बट इसमें है नहीं फील्ड। नेक्स्ट सेम ही है फील्ड का डेफिनेशन, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी मिलना चाहिए, और सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, ये प्राइम नंबर वाले केस पे, ठीक है। एज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट फील्ड वी हैव द रिंग 0 1 2 3 4 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। क्या देखते हैं? द मिनिमल पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन डॉट ए इक्वल टू जीरो for all a belongs to R is called the characteristics of ring, ठीक है। If there is no such n, then the interior domain has zero characteristics. कोई एलिमेंट a अगर आपके पास है, ठीक है, या फिर for all a belongs to R, R यहाँ पे रिंग है, ठीक है, अगर सारे a के लिए आपके पास n dot a equal to zero हो रहा है, लेकिन ये n का वैल्यू जो ये मिनिमल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो लोग बोलेंगे कि दिस एन इज कैरेक्टरिस्टिक। साइक्लिक ग्रुप याद होगा आप लोगों को, साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर कैसे निकालते थे? ऑर्डर हमेशा मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होता था, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से आप इसको ऑर्डर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा एन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रल डोमेन जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग लिखा हुआ है, रिंग का एक वैरायटी है इंटीग्रल डोमेन, तो हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स, ठीक है, और टू स्टेटमेंट्स, अ फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। दो अलग अलग चीज है, फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ फील्ड पे फाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं लगाया गया, बट इंटीग्रल डोमेन अगर फाइनाइट होगा ना तभी वो फील्ड होगा, याद रखिएगा। तो आपके पास जितना भी फील्ड का एग्जाम्पल है वो इंटीग्रल डोमेन का भी है, लेकिन जो भी इंटीग्रल डोमेन है वो सारा फील्ड नहीं है, अगर वो फाइनाइट है तभी वो फील्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या करना होगा, जीरो डिवाइज, विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना होगा। विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाने का मतलब है कि आपको दिखाना होगा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। तो सिंस ए इज, सिंस एफ इज अ फील्ड, इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, फील्ड है तो कम्यूटेटिव रिंग होगा, यूनिटी भी होगा। Therefore, in order to show that every field has an integral domain, we should show that field has no zero divisor or without zero divisor. तो दो एलिमेंट लिए हैं जो F का है, जहाँ पे A का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, B के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब B जीरो हो सकता है, लेकिन जो A भी चूज किए हैं और जहाँ पे A नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा है कि A भी इक्वल टू जीरो है, ये रिलेशन ही सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस A इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उसका इनवर्स मिलेगा ही, तो ए बी इक्वल टू जीरो का मतलब है दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मिल जाएगा ई या वन, यहाँ मिल जाएगा बी, मतलब बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि दो एलिमेंट अगर फील्ड में लिए और एक एलिमेंट जीरो हुआ तो हम दिखा दिए दूसरा एलिमेंट जीरो। सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे कि ए बी बी एन एलिमेंट ऑफ एफ विद बी नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो और दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ए इक्वल टू जीरो। यानी इन एनी केस इफ ए बी इक्वल टू जीरो तो आपको एक ना एक एलिमेंट जीरो मिलना ही है। इसका मतलब हो गया कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड, सारा इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ही फील्ड होगा। चलिए देखते हैं, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इसके लिए हम लोग एक सेट कंसीडर करेंगे डी, जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, लेकिन क्योंकि डी फाइनाइट है और साथ में इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, यहाँ पे हम एन नंबर ऑफ एलिमेंट लिए ए वन ए टू ए एन। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट डी इज अ फील्ड, हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके पास यूनिट एलिमेंट होना चाहिए वन, और ऐसा होना चाहिए also we should show that for every element a not equal to zero there exists an element p such that p equal to one, matlab sara element unit hona chahiye ya sara non zero element ka inverse milna chahiye multiplicative inverse. to first case mein consider karenge ki let a is not equal to zero, to consider the n products, a not equal to zero liye ab a ko d ka har element se multiply karenge, क्योंकि D का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट था, A के मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो डिस्टिंक्ट ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। AI इक्वल टू AJ लिए अगर आप, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा AI इक्वल टू AJ, पर D का कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए A से मल्टीप्लाई करने के बाद भी D का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट ही रहेगा। यहाँ पे इसलिए मेंशन किया हुआ है कि दिस ऑल आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डी प्लेस्ड इन सम ऑर्डर, सो वन ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू ए, डेफिनेटली ए होगा ही ना क्योंकि डी में ए है, ठीक है। दस देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से सी बिलोंग्स टू डी सच दैट ए सी इक्वल टू ए इक्वल टू सी है, क्यों, क्योंकि हम लोग ए से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मतलब डी का हर सारा एलिमेंट दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में आ गया विथ मल्टीप्लीकेशन। तो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है एक एलिमेंट सी है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मिल रहा है। वी शैल नाउ शो दैट दिस एलिमेंट सी इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ डी। तब एक एलिमेंट लेते हैं वाई विच इज इन डी, देन फ्रॉम द एबव डिस्कशन फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू डी वी हैव एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, वाई है, वाई ऐसा है कि ए एक्स और एक्स ए का वैल्यू दोनों इस केस में वाई है, दोनों साइड सी सी वाई लेंगे तो सी ए एक्स होगा,
तो ये चेंज कर सकते हैं सी ए इक्वल टू सी ए एक्स, सी ए का वैल्यू ए, दिस इज एक्स, इस लाइन से सी ए इक्वल टू ए, तो सी ए के प्लेस पे ए रिप्लेस करेंगे और एक्स के प्लेस पे वाई, ठीक है, तो सी वाई इक्वल टू वाई मिल गया. नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू वाई सी, दस सी वाई लिए थे तो वाई मिला और ये वाई सी के भी इक्वल है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू डेज, का मतलब है कि सी जो है वो यूनिट एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग डी, एंड सपोज ये वन है. नाउ वन बिलोंग्स टू डी, देयरफॉर फ्रॉम द अबव डिस्कशन वन ऑफ एन प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू वन डी में. यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि वन है डी में, तो जो हम लोग डी का एलिमेंट लिए थे ए वन ए टू ए एन, उसको ए से मल्टीप्लाई किए थे, तो वन कहीं ना कहीं होना चाहिए ना, तो वन होगा. मान लीजिए दस देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से बी बिलोंग्स टू डी सच था ए बी इक्वल टू वन इक्वल टू बी ए, मतलब बी जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, पहले लेके चले थे नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू डी, प्लस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी इज इन्वर्टिबल, इनवर्सिबल या इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं, हेंस डी इज द फील्ड. क्या के एक नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट लिए, बी नॉट इक्वल टू जीरो था, सॉरी ए नॉट इक्वल टू जीरो था, और हमने दिखाया कि एक बी मिला और ए बी इक्वल टू वन हो गया, ठीक है. एक दो एग्जाम्पल ये देखिएगा, इसी है, ठीक है. नेक्स्ट इज इफ इन रिंग आर द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी ए नॉट इक्वल टू जीरो हैज अ सॉल्यूशन देन आर इज अ डिविजन. यहां पे बोला गया है कि एक रिंग आर है और एक इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी, ये फॉर ऑल ए बी, अगर इसके पास एक सॉल्यूशन है तो आर डिविजन रिंग होगा. चलिए देखते हैं. We first show that R has no zero divisor. R का zero divisor नहीं है, तो R के पास zero divisor नहीं, तो AB equal to zero implies A not equal to zero, B not equal to zero. As A not equal to zero, X equal to A has a solution, say X equal to even. अगर A not equal to zero है, ठीक है, AB equal to zero, तो इस केस में हम ले रहे हैं A not equal to zero. अगर A not equal to zero होता है तो ए एक्स इक्वल टू ए का सॉल्यूशन होगा, सपोज दैट सॉल्यूशन इज ई वन, देन ए ई वन इक्वल टू ए, एक्स का एक सॉल्यूशन मिला ना ई वन, और एक्स के प्लेस पे ई वन पुट कर दिया. अगेन बी एक्स इक्वल टू ई वन हैज अ सॉल्यूशन, लेट दैट सॉल्यूशन इज ई टू एंड बी ई टू इक्वल टू ई वन. नाउ ए बी इक्वल टू जीरो, ए बी ई टू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो इन टू ई टू इक्वल टू जीरो, चेंज कर दिए ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो अल्टीमेटली दिस बी ई टू के प्लेस पे ई वन दिए, दिस इज ए ई वन इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर. क्या कि ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चले, ठीक है, और दिखा रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो आ रहा है, एक जीरो लिए तो दूसरा वैल्यू जीरो मिल रहा है, ठीक है, या ए भी इक्वल टू जीरो ले रहे हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी जीरो है, और ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए जीरो है. नाउ फॉर एनी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू ए है सॉल्यूशन, इस केस में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर x इक्वल टू ई सॉल्यूशन मिला तो इस इक्वेशन में e पुट कर दिया तो मिल गया ए ई इक्वल टू ए. अब क्या किया, दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए ई एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ए एक्स माइनस एक्स मिल गया इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर a जीरो नहीं है तो क्या जीरो होगा, ई एक्स माइनस एक्स जीरो होगा, तो ई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, और दैट e इज लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट ई लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया. अगेन सेम चीज को एक्स ई वाले फॉर्म में लिए, तो एक्स ई माइनस एक्स डॉट ई इक्वल टू एक्स ई ई माइनस एक्स ई सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, बट ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स जीरो हो जाएगा. इस केस में ई कहाँ है, राइट हैंड साइड है, तो ये राइट आइडेंटिटी हो जाएगा. नाउ द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ई हैज सॉल्यूशन for all a not equal to 0, there exists b such that a b equal to a, hence a has right inverse.
since right identity also exists. So R dot forms a group, or that R is a deficient. देखिए क्यों यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि ये R डॉट ग्रुप हो गया तो ये डिविजन रिंग होगा. डिविजन रिंग होने के लिए हम लोग को बस ये दिखाना होता है कि मल्टीप्लिक जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका इन्वर्स मिलना चाहिए. और अगर हम लोग ये दिखा दे रहे हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है तो ये क्राइटेरिया ना सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए आपको इन्वर्स का एग्जिस्टेंस चाहिए ही चाहिए. और अगर ये दिख जा रहा है यहाँ पे कि R विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप हो गया तो वो रिंग डेफिनेटली डिविजन रिंग होगा. कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल n इन टू n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर इज ए सब रिंग ऑफ R, ऑल n इन टू n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर. ठीक है, अगर मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर सॉरी अगर मेरे पास मैट्रिसेस है n ऑर्डर का जिसका ओवर अ फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो एक हम सब रिंग बना सकते हैं n इंटू n ऑर्डर का ही, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, वो रैशनल नंबर एज अ सब रिंग ऑफ रिंग. ठीक है, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर बस फील्ड चेंज हो गई. फील्ड का मतलब क्या हो रहा है, उसका जो एंट्रीज होगा ना, मतलब एक के केस में एंट्रीज सिर्फ रियल नंबर होगा, दूसरे केस में एंट्रीज रैशनल नंबर होगा. तो जो रैशनल नंबर वाला एंट्री है वो सब रिंग होगा. सेकेंड इज आर बी ए रिंग ऑफ ऑल सेकेंड ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, एम बी ए सबसेट ऑफ R, देन द एलिमेंट एम ऑफ द टाइप इज, ठीक है, इज अ सब रिंग ऑफ R. ये प्रूफ करना पड़ेगा सब रिंग. तो सब रिंग का मतलब क्या हो, सब रिंग के केस में क्या करना पड़ेगा कि ए माइनस बी भी दिखाना पड़ेगा इस सेट में है, और दिखाना पड़ेगा ए बी भी इस सेट में है. तो इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ऐसा एक मेरे पास रिंग है R, इसमें सारा दो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिसेस है. एक हम नया सेट बना है M, इसमें वैसा मैट्रिसेस है जिसका फर्स्ट कॉलम इस टाइप का है लेकिन सेकेंड कॉलम जीरो है, और सेकेंड कॉलम का सारा एंट्रीज जीरो है. अब फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, बस वो रियल नंबर होगा. ठीक है, तो आपको बताना है जो M जो है वो R का सब रिंग है. तो क्या करना होगा, आप इससे इस M से दो एलिमेंट लेंगे. अगर आप दो एलिमेंट लिए तो इसी फॉर्म में होगा. तो एक एलिमेंट हो गया A, दूसरा एलिमेंट हो गया B. A माइनस B करेंगे तो यही फॉर्म आया ना, दो रियल नंबर को डिफरेंस करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज अगेन अ रियल नंबर. तो a माइनस बी भी m में है, ए बी भी m में है, इसका मतलब जो m है वो सब रिंग है. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और अ प्राइम. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में क्या था कि वो n a इक्वल टू जीरो होना चाहिए जहां पे n मिनिमल पॉजिटिव इंटीजर हो. सपोज d इज एन इंटीग्रल डोमेन, लेट जीरो इज नॉट इक्वल टू a बिलोंग्स टू d. इफ ऑर्डर ऑफ a इज जीरो देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ d इज जीरो. अंडरस्टूड, इफ ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ठीक है ऑर्डर जो a का जो ऑर्डर वो फाइनाइट है और ऑर्डर ऑफ a इज प्राइम, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ d विल बी प्राइम और p. We have to prove that we must be prime. यहाँ पे दिखाना है कि इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक्स या तो जीरो होगा या प्राइम होगा. तो लोग एज्यूम कर दें कि p प्राइम नहीं है, p अगर प्राइम नहीं होगा तो p कंपोजिट होगा, कंपोजिट होगा तो p को हम लोग लिख सकते हैं p1 into p2, जहाँ पे p1 और p2 not equal to 1 होगा, यही है कंपोजिट का डेफिनेशन. We need to mention this condition. ठीक है, since d is an integral domain, therefore the product of two non-zero element of d can't be equal to zero. Integral domain क्या होता है, रिंग इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज एन इंटीग्रल डोमेन. विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है कि दो एलिमेंट अगर नॉन जीरो है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कभी भी जीरो नहीं बनेगा. तो ए ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू हम नॉट इक्वल टू जीरो लियो, तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा. नाउ इन एन इंटीग्रल डोमेन टू नॉन जीरो एलिमेंट्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ए प्राइम है तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर भी सी होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज पी ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो. Now P is P1, P2, A square equal to 0. तो इसको लिख सकते हैं ना A square plus A square up to P1 into P1, P2 times या P1, P2 times. तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं. P1 A, P2 A equal to 0. अब क्योंकि ये integral domain है, दोनों में से एक 0 होगा ही होगा. तो अगर P1 A 0 हुआ,
तो भी कॉन्ट्रडिक्शन, पी टू ए जीरो हुआ तो भी कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों? क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी इज प्राइम, ठीक है. नेक्स्ट, बट पी वन इज नॉट लेस देन पी एंड पी टू इज लेस देन पी ऑल्सो, पी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी ए इक्वल टू जीरो, हेंस पी मस्ट बी प्राइम. इस केस से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है कि पी वन ए इक्वल टू जीरो हो गया और पी टू ए इक्वल टू भी जीरो, दोनों में से कोई ना कोई तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. क्यों? क्योंकि डी इंटीग्रल डोमेन है. बट हम लोग पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि नहीं पी प्राइम है, और प्राइम है अगर और इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पी ए इक्वल टू जीरो एंड दिस पी मस्ट बी मिनिमल. तो हम लोग जो यहाँ पे ये अज्यूम किए हैं कि ये कंपोजिट है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो यहाँ पे पी को प्राइम होना पड़ेगा.